क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, 7x-9 = 16। सबसे पहले मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं वन बाय वन उनकी पोजीशन को क्या करूँगी, चेंज। क्या आ गया यहाँ से, 7x = मैंने इसकी पोजीशन नहीं चेंज की, तो ये एज इट इज़। मैंने किसकी पोजीशन की, -9 की पोजीशन चेंज की, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन यू ऐड 16 and 9 आंसर इज 725, आवर आंसर इज 25। अब इसके साथ ही ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ गया, x = 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, 14y-8 = 13। 14y-8 = 13, मेरे को 14y यहीं पे चाहिए तो एज इट इज़, ये नेगेटिव है वहाँ जाएगा तो प्लस, मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है तो साइन भी इसी का चेंज किया है, ध्यान रखना। आप हमेशा क्या गड़बड़ करते हो, पोजीशन किसी की चेंज कर दी, साइन किसी का चेंज कर दिया, नहीं, जिसकी पोजीशन चेंज होगी साइन भी उसी का चेंज होगा। नाउ 14y = 13+8 एंड 13+8 = 21, और ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, जो कॉमन निकल रहा है निकाल दो, 7, 3, 2, सो y = 3/2। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17+6p = 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज x/3+1 = 7/15 = 7/15। हाँ जी, मेरे को 6p यानी कि p इज वेरिएबल, तो p की वैल्यू निकालनी है, 6p एज इट इज़, 9 एज इट इज़, ये पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, इसकी पोजीशन चेंज हुई है तो इसी का साइन चेंज हुआ है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो पॉजिटिव साइन था ही नहीं, ठीक है बेटा, जो साइन कुछ भी नहीं होता इट मीन्स वहाँ पे प्लस है, क्लियर। तो 6p = 9-17, 17 इज ग्रेटर डिजिट, सो आवर आंसर इज नेगेटिव, एंड व्हेन यू सबट्रैक्ट 9 from 17 आवर आंसर इज 8। सो P ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2, 4, 2, 3 देन p = -4/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, x/3+1 = 7/15। 1/1 हमने पोजीशन चेंज करनी है, तो 1/1 पोजीशन कैसे चेंज होगी, फर्स्टली टेक एलसीएम ऑफ दिस, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे 1/1 लिखो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके वहाँ लेके जाओगे, तो यहाँ क्या आ गया, एलसीएम विल बी 3, 3 ones are 3 एंड 1 into x = x, 1 3 are 3, 3 ones are 3 = 7/15, राइट। अब देखो x के रिस्पेक्ट में ये डिवाइड में है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो x+3 = 7/15 × 3, 3 5s are 15, सो x+3 = 7/5, ये प्लस है वहाँ जाएगा तो -7/5 - 3, अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम इज 5, सो 7 - 15 एंड 7 - 15 = -8/5, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।